हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन आर चैनल वीनू डायरीज। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे लोगों के दिलों पर राज करें। सभी चाहते हैं कि उनकी सब तारीफ करें, सभी रेस्पेक्ट करें, प्यार करें, सभी लोग चाहते हैं ना। आज हम यही बात कर रहे हैं। देखिए, कुछ लोग तारीफ पाने के चक्कर में अपने सौबाजी बहुत करते हैं, बहुत पैसा लगाते हैं, अपने घर को मेंटेन करके रखते हैं, अपने आप के अच्छे कपड़े पहनते हैं, ढेर सारा मेकअप लगाते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जिससे कि लोग उनको समझे कि ये बहुत बड़े हैं, सभी उनसे दोस्ती करना चाहे, सभी उनको रेस्पेक्ट दें। इसके लिए बहुत ज़्यादा सौबाजी करते हैं। लेकिन देखिए, आज हम इस तरह की बातें नहीं करेंगे। आपको अगर लोगों के दिलों पर राज करना है, अगर आप चाहते हैं कि सब आपकी रेस्पेक्ट करें, सब आपका सम्मान करें, तो यहाँ पर आज मैं आपको 5 बातें बताने वाली हूँ, जो बस आपको ध्यान से सुननी है और इनको फॉलो करना है। देखिए, इनमें किसी भी तरह के ना तो आपकी सौबाजी है, ना इसमें किसी भी तरह का आपका कोई खर्च है, कोई खर्च नहीं है। बस आपको इन 5 बातों का ध्यान रखना है जब आप किसी से मिलते हैं, जब आप किसी से बात करते हैं। अगर आप चाहते हैं ना कि सभी आपकी रेस्पेक्ट करें, सभी आपकी तारीफ करें, आप तारीफ पाना चाहते हैं ना, बस इनका ध्यान रखेगा, फिर देखिए कैसे आपकी तारीफ होती है, कैसे आप लोगों के दिलों पर राज करते हैं। पहली बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो है कि देखिए, आपको अपनी सोच पॉजिटिव रखनी है। अब देखिए, ये तो आपने सुना है कि सोच को पॉजिटिव रखना है, लेकिन आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे सोच को पॉजिटिव रखें। देखिए, जब आप पॉजिटिव होते हैं, आपके साथ सब अच्छा ही अच्छा होता है, तब तो आप सभी से अच्छे से बात करते हैं, क्योंकि आप अंदर से खुश रहते हैं। जब इंसान खुश रहेगा तो सबसे अच्छे से ही बात करेगा। लेकिन जब आपकी परिस्थितियाँ आपके अनुकूल नहीं हैं, जब आप परेशानी में हैं, तब देखा जाता है कि आप कितने पॉजिटिव हैं। वही पॉजिटिव की मैं बात कर रही हूँ, वहीं पर आपको पॉजिटिव रहना है, हमेशा हंसते खेलते रहना है। आप हमेशा ये बात ध्यान रखिए कि आपके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। अच्छी परिस्थितियां हैं आपके साथ या फिर आपके साथ में अच्छी परिस्थितियां नहीं हैं, दोनों ही कंडीशन आपके हाथ में नहीं है। जब आपके हाथ में ही नहीं है तो फिर आप नेगेटिव क्यों होते हैं? इसलिए अपनी सोच को पॉजिटिव रखिए। अब देखिए, यहाँ पर कुछ लोग क्या करते हैं, जब उनके साथ में परिस्थितियाँ अच्छी नहीं होती, वे परेशान होते हैं, तो वे बाहर के लोगों से तो अच्छे से बात फिर भी कर लेते हैं, फिर भी उनसे कुछ हंस के मुस्कुरा के बात कर लेते हैं, ताकि इनको हमारी बात ना पता चले। लेकिन घर के लोगों पर वही वो अपना गुस्सा उतारते हैं, वही अपनी वो फ्रस्ट्रेशन उतारते हैं। आप ये मत समझिए कि आप अपने घर के लोगों पर ही गुस्सा उतार रहे हैं, बाहर आपकी बातें पता नहीं चलेंगी। नहीं, ये जो फेस होता है ना, इस पर सब कुछ दिखाई देता है, जो आप दिखाना नहीं चाहते वो भी दिखाई देता है। इसलिए किसी भी तरह से ना तो अपने घर के परिवार के लोगों पर गुस्सा उतारिए, ना बाहर गुस्सा उतारिए, क्योंकि मैं आपको बता ही रही हूँ, दोनों ही परिस्थितियाँ, अच्छी बुरी दोनों ही परिस्थितियाँ आपके हाथ में नहीं है। जब हाथ में ही नहीं है तो पॉजिटिव रहें, अच्छी सोच बनाकर रखें, परिवार के लोगों से भी अच्छे से बात करें और बाहर भी सबसे अच्छे से बात करें, ताकि सामने वाले ये कहें कि देखो इतने हंसते खेलते रहते हैं, कितनी अच्छी सोच है इनकी, तभी तो लोग तारीफ करेंगे, तभी तो आप लोगों के दिलों पर राज करेंगे। दूसरी बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो होती है ईमानदारी। आपको ईमानदार रहना है, किसी के साथ भी छल कपट नहीं करना है, किसी का छल कपट से ना तो लेना है ना अपना देना है। इनसे दूर रहें, दोगले लोगों से जो पीठ पीछे बुराइयाँ करते हैं। सामने तो अच्छे बने रहेंगे और पीठ के पीछे वो बुराइयाँ करेंगे, 10 कमियाँ निकालेंगे। ना तो खुद ऐसा बनना है, ना हमें ऐसे लोगों के साथ रहना है। जब हम ना तो खुद ऐसे बनेंगे, ना ऐसे लोगों के साथ रहेंगे, तो लोग हमारी तारीफ ही करेंगे। देखिए, बुराइयाँ कहाँ होती हैं? बुराइयाँ वहाँ होती हैं जहाँ हम भी बुराई करते हैं, जहाँ हमारी भी आदत होती है। अगर कोई हमारी बुराई करता है, अगर कोई हमसे बुराई करता है, दोनों ही कंडीशन में हम सुन लेते हैं, हम उसके साथ बैठते हैं और पूछते हैं कि और बताओ भाई, और बताओ भाई। मतलब हम चाहते हैं कि ये बंदा कुछ कहे, कुछ उनकी बुराई करे, कुछ इनकी बुराई करे और हम सुने, फिर हम भी कुछ कहें, है ना। आपको ऐसा नहीं करना है। अगर कोई आपसे बुराई करता भी है तो आपको वहीं पर बोलना है कि भाई देखो, ना तो मैं बुराई करता हूँ, ना मैं सुनता हूँ, मुझे ये बातें अच्छी नहीं लगती है। जब आप ऐसा कहेंगे, शुरू शुरू में होता है कि एक दो लोग आपकी बुराई करें, एक दो लोग कहें कि अरे देखो इससे कुछ भी कहो, ये हमेशा बड़े घमंड में रहता है या बड़े घमंड में रहती है, लेकिन कुछ टाइम के बाद आपकी ही तारीफ होगी। जो दोगले होते हैं ना,
आगे कुछ पीछे कुछ, उनसे कुछ दिनों तक तो दोस्ती रखी जा सकती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद उनसे दूरियां ही बना लेते हैं। इसलिए ईमानदार रहें। तीसरी बात जो आपको ध्यान में रखना है वो होती है विनम्रता। हमेशा विनम्र रहे, सबसे प्यार से बात करें, और दिखावे के लिए नहीं कि आप सामने तो प्यार से बात करते हैं, लोगों को देखकर प्यार से बात करते हैं, घर परिवार में नहीं करते, या फिर कुछ लोगों से करते हैं कुछ लोगों से नहीं करते, ऐसे नहीं। विनम्रता दिखावे के लिए नहीं, अपनी आदत में शामिल करें। आप जब भी किसी से मिले, चाहे कोई है, चाहे कोई आपका अपना है चाहे कोई आपका अपना नहीं है, सबसे प्यार से बात करें। जब आप प्यार से सबसे बात करेंगे तो देखिए एक दिन लोग कहेंगे कि भाई देखो इससे कभी भी बात करते हैं बहुत प्यार से बात करता है, बहुत रेस्पेक्ट के साथ बात करता है ना। यही कुछ बातें होती हैं जो लोगों के दिलों पर राज करने के लिए मजबूर कर देती हैं, लोगों को अपना बनाने के लिए मजबूर कर देती हैं, और एक दिन हम लोगों के दिलों पर राज करते ही हैं। चौथी बात, आपको हमेशा एक्टिव रहना है, ऐसे ही बुझे बुझे नहीं। आपको चाहे परेशानी में है चाहे आप बहुत खुश हैं, लेकिन रहना एक्टिव ही है। लोगों को भी अप्रिशिएट करिए आगे बढ़ने के लिए, उनको भी कहिए कि अरे कुछ नहीं, अगर कुछ थोड़ी बहुत मुसीबतें भी आती हैं तो सभी की लाइफ में आती हैं, लेकिन अगर हम मुसीबतों को देखकर अपना राह बदलते हैं तो हमें मंजिल नहीं मिलती, हम कब तक राह बदलते रहेंगे। आप लोगों की भी ऐसी सोच बनाइए, सबको यही बोलिए, खुद भी अच्छा करिए और लोगों को भी अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित करिए, उनको भी आगे बढ़ाइए। पांचवी बात, खुद भी आगे बढ़ते रहें, कहीं पर स्टक होकर नहीं रहना है, कहीं पर रुकना नहीं है कि एक जगह रुक गए बस वहीं पर रुके हुए हैं, नहीं। देखिए सफलता सही मायने में ये होती है कि हम निरंतर आगे बढ़ते रहें, भले ही धीरे धीरे। मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आपको बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना है, भले ही धीरे धीरे आगे बढ़ना है, लेकिन आपको कुछ बेहतर करते रहना है। हर एक दिन एक नई शुरुआत करनी है, एक दिन अपने आप को सोचना है कि आज मैंने क्या अच्छा किया, आज मैंने अपने लिए क्या अच्छा किया। जब आप ऐसा सोचेंगे तो आप आगे बढ़ते रहेंगे, और आज के समय में उन्हीं लोगों की इज्जत होती है, उन्हीं लोगों को प्यार दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है, उन्हीं लोगों को ही अपना बनाया जाता है जो आगे बढ़ते रहते हैं। जो वहीं पर उलझ कर रह जाते हैं ना, उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, उनको ये समझता है अरे ये तो कुछ है ही नहीं। इसलिए हमेशा आगे बढ़ते रहें, हमेशा अपने लिए कुछ अच्छा करते रहें। आजकल लोग कुर्सी को ही सलाम करते हैं।